बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देश भर में भारी बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली समेत कई राज्य, वहां पर अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली में भारी बारिश से टूटा है 41 सालों का रिकॉर्ड, यानी कि 4 दशकों का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। बारिश की वजह से आज दिल्ली में सभी स्कूल बंद है। हरियाणा ने यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इन हालातों से जूझ रही है राजधानी दिल्ली। बारिश की वजह से कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं और आसमान से आफत की बूंदें बरस रही हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। शेखर त्रिवेदी हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, राजधानी का हाल जानेंगे। शेखर, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों के साथ? देखिए, ऐसा है कि आज तो लखनऊ में बादलों का डेरा जरूर है आसमान पर, लेकिन साथ साथ धूप भी खिली हुई है। उमस बहुत है यहाँ पर। बीते दिन पानी बरसा था, ठीक ठाक सा बरसा था, रात में रिमझिम फुहारें सी पड़ती रहीं, उसकी वजह से जो उमस है वो दिन चढ़ने के साथ ही बहुत बढ़ी है राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा कुछ जगहों पर वाटर लॉगिंग वगैरह हुई थी। 2 दिन पहले यहाँ पर तेज़ पानी बरसा था, उस समय पर शहर के कई इलाके ऐसे थे जो डूब गए थे, वहाँ पर पानी निकालने में भी 4-6 घंटे लगे। कई इमारतें ऐसी थीं जिनको नुकसान पहुंचा। और बड़ी चीज़ यह है कि पूरे लखनऊ में गहरा सीवर डालने का काम अलग अलग जगहों पर चल रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क बनवाने का काम चालू कर रखा है, PWD की तरफ से चालू है। ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहाँ पर सड़कें धंस गईं, मिट्टी धंस गई। इसके अलावा जो इल्लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स थीं, अगर उन्होंने गहरा बेसमेंट खोदा हुआ है, चारों तरफ से कवर कर लिया, तो कई गलियां ऐसी थीं जो पूरे पूरे गलियां धसक गई हैं। तो इस तरीके की स्थिति ज़रूर रही है। DM ने दौरा किया है, जो कमिश्नर हैं उन्होंने दौरा किया है ऐसे इलाकों का, और जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें कड़े निर्देश भी दिए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने इल्लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम को किया है। इसके अलावा जिन जगहों पर वाटर लॉगिंग हो रही है वहां पर नगर विकास या नगर निगम की तरफ से पंप लगाए गए और पानी निकाला गया ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन वो दिक्कतें जो हुई हैं उसका समाधान यही है कि उसको कुछ घंटों के भीतर सरकारी उपाय करके लोगों को राहत दी जाए। बहुत सारी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, उन जगहों पर भी वाटर लॉगिंग हुई। फिलहाल जो स्थिति है उसमें अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि, ये सब संभावनाएं जताई गई हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ में धूप खिली हुई है। ये ज़रूर है कि रायबरेली में बिजली गिरने से कई लोग जख्मी हुए हैं, तो ऐसी जगहों पर सरकार की तरफ से भी, DM की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी हो तो घर से निकलें। बिल्कुल, और अगर शेखर पानी बरस रहा है तो किसी करती पेड़ के नीचे या किसी ऐसी। हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, राकेश से जानेंगे। राकेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, यही वजह है कि 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से। ऐसे में पंजाब में कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल बात की जाए पंजाब की, तो जैसे कि कल के दिन में इतनी बारिश हुई है कि जैसे मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और यहाँ पे होशियारपुर हो गया, तरन तरन हो गया, यहाँ के जो बॉर्डर इलाके हैं जहाँ पे
नहरी पानी चलता है वहां पे पानी का लेवल इतना ऊपर हो चुका है कि कल मान सरकार ने, पंजाब के जो भगवंत मान है उन्होंने, एसएसपी डीसी उनकी भी ड्यूटी लगाई गई और जितने भी पंजाब के मंत्री है उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। और एक तरफ अगर देखा जाए पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन अगर दूसरी पिक्चर देखी जाए हर साल ये बारिश होती है, हर साल ये परेशानी आती है, लेकिन कई बार होता है ये रिकॉर्ड टूटते हैं। लेकिन इसके लिए सरकारों को भी ये देखना चाहिए कि विकास के नाम पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर राकेश मैं आपका रुख वापस से करती हूँ, शेखर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप दोनों का ही रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम दर्शकों को दिखा देते हैं 6 अहम तस्वीरें, वो तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आसमान से राहत की बूंदे नहीं आफत की बारिश हो रही है। कुल्लू की तस्वीर है, देखिए कैसे हालात पैदा हो गए हैं, देहरादून, हिमाचल, जबलपुर, अलीगढ़ और गुरुग्राम की तस्वीरें, कहने को स्मार्ट सिटीज हैं लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी पोल खुद खोल रही हैं कि आखिरकार स्मार्ट सिटी की व्यवस्था स्मार्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जिक्र जरूरी हो जाता है जहां पर बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई जिलों में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, कई कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल में बारिश से 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक कमेटी का गठन तक किया है। प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है, ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं, मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग करें, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है, 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। हिमाचल से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, बारिश कहर बरपा रही है। और राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता शेखर भी जुड़े हुए हैं, शेखर ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के अंदर उमस भरी गर्मी है, धूप निकली हुई है, लेकिन हाँ संकेत इस बात के हैं कि बूंदाबांदी हो सकती है। और दूसरी तरफ हम आपको हिमाचल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हिमाचल की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तबाही का मंजर है। चलिए राकेश का रुख करेंगे, पंजाब से राकेश जुड़े हुए हमारे साथ में। राकेश, कल स्वास्थ्य मंत्री बलबीर को हम देख रहे थे, वो ग्राउंड जीरो पर खुद उतरे हुए थे और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, आज की क्या कुछ तैयारियां? जी जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि बलबीर सिंह जो सेहत मंत्री हैं, ऐसे ही पंजाब में अलग अलग हिस्सों में जैसे अनमोल गगनमान है, कैबिनेट मिनिस्टर है, और काफी मंत्री हैं जो पंजाब के, जिन्होंने अलग अलग एरिया में दौरा किया। और इसी को अगर देखते जाएं तो आपदा से निपटने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से हर एक जिले के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जहां कहीं पे भी कोई आपदा आती है तो उसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसकी एक लिस्ट भी भेजी गई है, उसको देखते हुए निपटने के लिए पंजाब सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। और कल पंजाब सरकार जो भगवंत मान है उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हमारी तरफ से पूरी पुख्ता तैयारियां की गई हैं, और डीसी एसएसपी को भी हुक्म कर दिए गए हैं कि जहां पे भी कोई नुकसान हुआ है उसका मुआयना करने के लिए, और क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ उसकी भी ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट मांगी गई है। जी
बिल्कुल, चलिए शेखर का रुख करेंगे जो कि यूपी से जुड़े हुए हमारे साथ में। शेखर, दो तरह की तस्वीरें इस समय उत्तरी राज्यों में देखने को मिल रही है। एक है उत्तर प्रदेश, जहां पर उमस भरी गर्मी है और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो बाढ़ और पानी से प्रभावित हैं। हम गोरखपुर, श्रावस्ती जैसे अन्य जिलों की बात कर लें जो कि हमेशा बाढ़ की चपेट में आ जाती हैं जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, तो ऐसे में प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं सीमांत जिलों को लेकर? देखिए, जो तराई के इलाके हैं वहाँ पर नदियाँ उफान पर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर भारत में जैसे ही पानी बरसता है, ख़ासतौर से हिमालयन क्षेत्र जो लगता है, उत्तराखंड से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जो सीधे नदियाँ उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, उन सब में भी स्थिति ये है कि जल का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता है। अभी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है पहले दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तय है कि यमुना का जल स्तर बढ़ेगा। गंगा उफान पर है, घाघरा उफान पर है, तो ऐसे में नदियों का जलस्तर जब बढ़ रहा है तो सरकार की तरफ से भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या जो निचले इलाके हैं उनमें चेतावनी जारी की गई है। लोगों को बाढ़ के क्षेत्र से हटने को कहा गया है, नदियों के किनारे से हटने को कहा गया है। जहाँ तक गोरखपुर या उस इलाके की आपने बात की है, वहाँ पर बड़ी चीज़ यही है कि नदी ऊपर है और शहर नीचे है। बिल्कुल, बीते सालों में, बीते दशकों में लगातार वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से स्थिति ऐसी हुई है कि अब थोड़ा सा जो पानी भरने की समस्या थी उससे लोगों को निजात मिली है। जैसे ही पानी, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम अपडेट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो गोरखपुर, श्रावस्ती जैसे जो क्षेत्र हैं वो राप्ती के जलस्तर के बढ़ने के बाद और नेपाल से पानी छोड़ने के बाद वो अक्सर प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहता है। साथ में पंजाब का हाल भी आपको बताया, अलग अलग क्षेत्रों से अहम तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी